एक और ड्रिंक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों, जो कि विंटर सीजन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके अलावा भी जो कफ एंड कोल्ड आजकल चल रहा है उसके अंदर भी बहुत कारगर है, लोग इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज है ब्रांडी। और आज हम हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम किसी ब्रांडी का रिव्यू करने वाले हैं, और इसी रिव्यू के साथ वेलकम करना चाहता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आपके अपने चैनल के अंदर। और जिस ब्रांडी का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, टेस्ट नोट चेक करेंगे, और जिसका आज हम डिटेल चैप्टर आपके सामने खोलेंगे, उसका नाम है मॉर्फस ब्लेंडेड प्रीमियम ब्रांडी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं, मतलब ब्रांडी को ग्लास में पोर करने से पहले, कि जो रम और ब्रांडी होती है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती, मतलब दोनों का प्रोसेस अलग अलग रहता है। यार कई लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट और प्रेसाइज के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो रम होती है उसको मैन्युफैक्चर करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है शुगर केन का, मतलब मोलेसेस से बनती है, जबकि हमारी जो ब्रांडी है वो बनती है वाइन को डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के बाद, या फिर जो फ्रूट्स है उनको डिस्टिल करने के बाद, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसे गुजारने के बाद ब्रांडी को बनाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाया जाए हाउ ब्रांडी इज मेड, बट आज हम वो बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे मॉर्फस ब्रांडी। बॉक्स कर लेते हैं मॉर्फस XO ब्लेंडेड प्रीमियम ब्रांडी को। सबसे पहले बात करते हैं हम आउटर कवर की। आउटर कवर जैसा आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का आउटर बॉक्स है, और जो गोल्डन कलर है, ब्लैक और गोल्डन का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो प्रीमियम वाइट कलर, जो ऑफ वाइट कलर है उसके अंदर ये हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ छोटा सा जो नोट्स है वो नोट्स आपको इस ब्रांडी के ऊपर दिख जाएगा, लिखा हुआ रेडिको खेतान का प्रोडक्ट है। चलिए इस बॉटल को हम ओपन कर लेते हैं बॉक्स से, और जैसा कि आपने सुना था बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रीमियम ब्रांडी है ये, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब अगर आप कैप देखेंगे तो ऐसा यूनिक कैप मैंने मार्केट में कहीं पे भी नहीं देखा है। बहुत ही यूनिक कैप है, बाहर से ब्रॉड है, राउंड है, बट बॉटल का जितना भी जो सर्कमफ्रेंस है, बॉटल का जितना भी जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो बॉक्स है, ये जो आउटर कवर है वो बनाया हुआ है। मॉर्फस ब्रांड जो लिखा हुआ है फ्रंट में, और ज़्यादा डिटेलिंग जो है वो आपको बैक साइड में मिलेगी, कितनी अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, क्या प्राइसिंग है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं अब हम अनबॉक्सिंग की, तो अगर आपको छोटी सी सील दिख रही हो तो इसको हमें टियर करना है, और इस सील को आप ऐसे हटा लीजिए, और उसके बाद ये जो कैप है मतलब बहुत ईजी टू ग्रैब है, इस कैप को आप खोल लीजिए, और ये आपकी अनबॉक्सिंग हो गई है हमारी मॉर्फस XO ब्लेंडेड प्रीमियम ब्रांडी की। चलिए ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं हमारी ब्रांडी को, बिकॉज हमारा फर्स्ट रिव्यू है तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता हूं आप सब लोगों को, ठीक है। तो ब्रांडी हमारे ग्लास के अंदर हमने पोर कर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कलर की। कलर इस ब्रांडी का लाइट गोल्डन कलर है, जैसे आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है, मतलब बहुत रिजेंबल कर रहा है जो विस्की होती है उसके साथ, इसका जो कलर है वो रिजेंबल कर रहा है, रम जितना डार्क कलर नहीं होता है हमारी ब्रांडी का। तो चलिए नोजिंग नोट्स चेक करते हैं, आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रही है मॉर्फस ब्रांडी की। फ्रूटी, अदर देन दैट जो फ्लोरल आरोमा है वो भी मेरे को इस ब्रांडी के अंदर से मिल रहा है। हालांकि मैंने जो स्मोकी नोट्स है उनको एक्सपेक्ट किया था कि यार स्मोकी नोट्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन स्मोकी नोट्स तो इस ब्रांडी के अंदर बिल्कुल भी मेरे को नहीं मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके नोट्स मेरे को इस ब्रांडी के अंदर से मिले हैं। तो अगर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं मैं नोजिंग का, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो इसका ब्रांडी का बहुत ही बढ़िया रहा है, बेहतरीन रहा है, बिकॉज मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन थी यार कि स्ट्रॉन्ग आरोमा या फिर बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड होनी चाहिए ब्रांडी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक बार जो टेस्ट नोट्स है वो भी चेक कर लेते हैं कि आखिर टेस्ट नोट्स क्या बोल रहे हैं इस ब्रांडी के। वुडी,
नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट ओवरपावर्ड, लेकिन स्वीटर एज कंपेयर टू रम। अगर आप रम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा स्वीटर है रम के कंपैरिजन के अंदर, तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको मॉर्फस ब्रांडी के साथ, मतलब कुछ अलग ही इसके अंदर है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी दोस्तों मेरे को, वो लगी वुड्स और वनीला का जो कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विथ स्वीटनेस, वो एक अलग ही फील करवा रहा है आपको इस ब्रांडी के अंदर, जो कि मेरे को अदर ड्रिंक्स के अंदर नहीं मिली, तो मतलब बहुत ही अच्छी है। और अगर रम से मैं कंपेयर करूं, मतलब देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर कंपेयर आप सिर्फ रम से ही कर रहे हैं तो इसका टेस्ट मेरे को ज़्यादा बेहतर लगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा मेरा नोजिंग का, टेस्ट का, वो मॉर्फस ब्रांडी का बहुत ही अच्छा रहा और यूनिक भी रहा। चलिए विस्की तो हम लोग दोस्तों पीते रहते हैं, लेकिन ब्रांडी थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है। तो कुछ डू एंड डोंट्स है ब्रांडी पीने के लिए। जैसे आप ब्रांडी को इमिडिएटली ग्लास के अंदर पोर कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ब्रांडी है वो ब्रीथ करे, बिकॉज ये बनी है फ्रूट से। ब्रांडी को आप किस तरीके से पीजिए, आप इसको पहले नीट पीजिए, इसकी जो फ्लेवर्स हैं उनको इन्जॉय कर लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत जो वाटर है वो वाटर ऐड करिए और फिर इसको इन्जॉय करिए। इसके अलावा आप चाहे तो एक लार्ज आइस क्यूब के साथ भी ब्रांडी को इन्जॉय कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हमेशा ब्रांडी को सिप बाय सिप करके पीना चाहिए, बिकॉज जिससे आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इजीली इसके फ्लेवर्स को रिकग्नाइज कर सके और आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकें। बात करते हैं कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है रेडिको खेतान। और मॉर्फस के अलावा इसका एक वेरिएंट और आता है मॉर्फस ब्लू, इससे थोड़ा अपर वेरिएंट है। और कंपनी मॉर्फस ब्रांडी के अलावा भी एक ब्रांडी और बनाती है जिसका नाम है व्हाइट हॉल, आप चाहें तो उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइस की। प्राइस इस ब्रांडी की है राजस्थान में 1030 रुपीज, 1030 रुपए के अंदर यह ब्रांडी आपको मिल जाएगी विद एल्कोहल वॉल्यूम 42.8%। इंजॉय करिए। आई होप आपको मॉर्फस का रिव्यू और बॉटल दोनों ही पसंद आए होंगे, बिकॉज एक बहुत ही यूनिक बॉटल है मॉर्फस ब्रांडी की, जो कि एक अलग ही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। और जो बंधु यार दोस्त नहीं पीना चाहते हैं इस ब्रांडी को, वो भी इसे देखकर अपना दिल दे ही बैठे। आपका दिल भी हमारे आज के एपिसोड को पसंद करता है तो लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और नए नए विस्की, वोदका, रम, बियर का रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को जिसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की। चीयर्स एंड एंजॉय।